नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। पिछले 1.5 सालों में पूरी दुनिया में कोहराम मचाने वाला कोरोना वायरस आने वाले समय में और भी घातक रूप ले सकता है। पिछले 1.5 सालों में जिस तरीके से कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में कोहराम मचाया, उसके बाद अगर नया वेरिएंट सामने आता है, जो विशेषज्ञों द्वारा एक रिपोर्ट में दावा किया गया है, तो नए वेरिएंट के चलते 3 में से 1 इंसान की जान जा सकती है, ऐसा दावा किया है ब्रिटेन के शीर्ष वैज्ञानिकों ने। ब्रिटेन के साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इमरजेंसीज ने यह दावा किया है, एक रिपोर्ट दी है जिसमें यह बताया गया है कि नया वेरिएंट इतना खतरनाक होगा कि जिससे लगभग 35% लोगों की मृत्यु हो सकती है। लगातार आपको बता दें, कोरोना वायरस का जब पहली लहर थी, उसके बाद जब कोरोना वायरस की दूसरी लहर थी, तो तमाम देश की सरकारों के जो विशेषज्ञ वैज्ञानिक हैं वो लगातार इस पर रिसर्च कर रहे थे। उनकी जो रिपोर्ट आ रही है वो चौंकाने वाली आ रही है। ब्रिटेन की सरकार की तरफ से ब्रिटेन के जो ये रिपोर्ट दी गई है उसमें ये साफ चेतावनी दिया गया है कि अगर इस नया वेरिएंट आता है, नया वायरस आता है, तो इसके कारण लगभग 35% लोगों की मृत्यु हो सकती है। अब हम आपको डिटेल से बताते हैं कि आखिर इस रिपोर्ट में क्या स्टडी किया गया और क्या बातें सामने आई हैं। एक समूह ने इसमें जो रिसर्च किया है ब्रिटेन के में साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप ने, उसमें ये दावा किया गया है, जो रिसर्च के बाद स्टडी के बाद उन्होंने ये दावा किया है कि ये वायरस कहीं और ज़्यादा खतरनाक रूप ले सकता है, इसमें म्यूटेशन की संभावना ज़्यादा रहती है, ऐसा ये ब्रिटेन में हो रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ब्रिटेन को सर्दियों का मौसम आने से पहले एक नया जो है बूस्टर तैयार करना होगा, नई वैक्सीन जो है वो लानी होगी, वो लोगों को लगानी होगी, नहीं तो स्थिति जो है काबू में रह नहीं पाएगी, क्योंकि लगातार जो नए वेरिएंट आने की संभावना है उसमें यह भी कहा गया है ऐसे जानवरों को भी मारना पड़ेगा जिनमें वायरस हो सकता है। नए वेरिएंट आने से को से किसी भी हालत में रोकना होगा। इसके साथ ही मृत्यु दर बढ़ने की भी आशंका जताई है ब्रिटेन के शीर्ष वैज्ञानिकों ने। वैज्ञानिकों ने कहा है कि आने वाले समय में एक पेपर, वैज्ञानिकों ने एक जो स्टडी किया है उसकी संभावनाओं पे बकायदे ब्रिटेन में एक पेपर रिलीज किया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि आने वाले समय में मृत्यु दर जो है उसमें काफ़ी इजाफा देखने को मिल सकता है अगर नया वेरिएंट आता है तो। इसमें कहा गया है कि सुपर म्यूटेंट वेरिएंट का खतरा बताया गया है। एक्सपर्ट के मुताबिक अगर आने वाले समय में स्ट्रेन दक्षिण अफ्रीका में मिले बीटा, केंट में मिले अल्फा और भारत में मिले डेल्टा वेरियंट से भी ज़्यादा खतरनाक होगा, जिसपे वैक्सीन जो है अब तक जो वैक्सीन लगी है वो भी काम नहीं करेगी। तो बहुत चिंता वाली बात है जिस तरीके से ब्रिटेन के विशेषज्ञों ने स्टडी के बाद ये रिपोर्ट दी है, एक चेतावनी दी है, जिसमें ये खतरनाक बात बताई गई है कि नया वेरिएंट अगर आता है तो अब तक जो वैक्सीन लगी है वो भी बेअसर होगी। इसके लिए बकायदे जो है उन्होंने चेतावनी जारी की है, कहा है कि मृत्यु दर भी ज़्यादा हो सकती है। हालाँकि उन्होंने ये कहा है कि अभी वायरस से पीछा छूटा नहीं है। रिपोर्ट में के आधार पर ब्रिटेन में लॉकडाउन को प्रतिबंध को खत्म करने की सरकार की तैयारियों को लेकर एक्सपर्ट ने यह भी कहा है और सरकारी चेताया है कि उनका कहना है कि वायरस से पीछा अभी छूटा नहीं है, इसलिए सरकार को ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। एक्सपर्ट को जानवरों को वायरस के रिजर्वायर्स बनने से रोकने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कुछ दवाओं की संभावनाएँ इस्तेमाल करने की है जिससे वायरस जिन जानवरों में है उनको मारा जाए ताकि ये जो वायरस बढ़ने का सिलसिला है उसको रोका जाए। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से रिपोर्ट में ब्रिटेन के विशेषज्ञों की तरफ से ये दावा किया गया कि सरकारों को भी अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अनलॉक की प्रक्रिया लगभग जगहों पर शुरू हो चुकी है, क्योंकि आर्थिक गतिविधि को भी सरकार को ध्यान में रखना होता है, लेकिन लोग लगातार लापरवाही कर रहे हैं। ये तस्वीरें सिर्फ इंडिया से नहीं बल्कि कई जगहों से ऐसी सामने आ रही है। तो कुछ दिनों पहले ये भी कहा गया था ब्रिटेन सरकार की तरफ से कि वायरस के साथ लोगों को जीना सीखना होगा, लेकिन अब जो ये रिपोर्ट आई है ब्रिटेन के साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इमरजेंसीज की, वो काफ़ी चिंताजनक बात है। उसमें काफ़ी जो बताया गया है, सरकार को जो उन्होंने रिपोर्ट में सलाह दी है उससे साफ ये लगता है कि अगर नया वेरिएंट आता है तो वो बेहद खतरनाक होगा, जैसा कि अब तक स्थिति देखने को नहीं मिली थी, उससे कहीं ज़्यादा स्थिति भयावह हो सकती है। तो भारत को भी इस जो रिपोर्ट है उससे सबक लेने की ज़रूरत है, चेतने की ज़रूरत है, क्योंकि भारत में कई जगह से ऐसी तस्वीरें लगातार आ रही है कि लोग कोरोना के प्रोटोकॉल्स, कोरोना के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं और तीसरी लहर की आशंका भारत में भी जताई गई है जो अक्टूबर से दिसंबर के बीच आ सकती है।